सो आप में से जो भी हैं रीडिंग नॉवेल करके अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए आज ये वीडियो है। सो हमारे पास इतनी वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कभी भी मिस्टेक करते हैं नॉवेल पढ़ते टाइम। हम कभी कभी नॉवेल पढ़ते भी हैं तो हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि हम जब बिगनर्स होते हैं तब हम हेवी और थिक नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अप्रॉक्स 300 पेज का रहता है। ये हमारे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सो हमें क्या करना चाहिए फिर, हमें किस टाइप का नॉवेल पढ़ना चाहिए बिगनर्स को अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए? दैट इज द थिन नॉवेल विच कुड बी विच कैन बी 100 to 150 or 130 पेज इट कुड बी। ओके सो आई हैव सो मेनी बुक्स लाइक यू कैन सी हियर आई हैव मेनी बुक्स विच कैन बी 30, 100 to 90, 90 to 100 to 130 पेजेस बुक है। And you can select these books to improve your English by reading these novels, okay? So this is ये तो बच्चे लोग का है but अगर आप beginners हैं आपको ये पहले start करना चाहिए उसके बाद ही आपको किसी बड़े book पे जाना चाहिए। ओके आप अगर ऐसा करिएगा तो आपकी English जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्द ही इम्प्रूव हो जाएगी। ओके और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी ट्राई कीजिए कि 100 पेज की नॉवेल को आप कम से कम वन डे में फिनिश कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप पे जॉब करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, आप एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते 100 पेज, तो आप 2 to 3 दिन ले सकते हैं। बट हाँ आप मैक्सिमम पेजेस पढ़ाए ट्राई कीजिए पढ़ने की नॉवेल को। ओके एंड सेकेंड थिंग है आप उसे डेली कंटिन्यू करिए। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े फिर 2 दिन अल्टरनेटली उसे पढ़े या 4 दिन 5 दिन पे, ऐसे आपकी इम्प्रूव नहीं होने वाली है। एक बेटर ऑप्शन है आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने का कि आप मूवी भी देख सकते हैं इंग्लिश वाली। सो बट आई डोंट प्रीफर दैट इज़ गुड बिकॉज आई प्रीफर बिकॉज फॉर मी दिस वे वॉज द ईजिएस्ट वे टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ओके सो विच एवर यू लाइक यू कैन डू बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू वॉन्ट माई ओपिनियन आई सजेस्ट यू टू रीड नॉवेल्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल नॉवेल देन गो फॉर थिकर नॉवेल विच कैन कम अंडर 300 pages to 400 लाइक दैट इट विल कम। And then the next thing is you should continue your reading daily and just try to read novel at least 4 to 5 novel thin novel 100 page novel at least 4 to 5 novel it will take your 20 to 25 days and maximum 30 to 35 days after that if when you'll complete your novel after 30 to 35 days you will see change in yourself. Okay changes in yourself you'll see that what you'll see if you'll go to your friend and start speaking in English you will automatically you will get a new vocabulary new words and the confidence also you'll get and the shyness you will fade away. Okay so these things these gains you will gain. ओके सो आपको ये सब आपको इससे प्रॉफिट होगा। आप प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि कम से कम आप अगर स्टार्ट करते हैं तो एक महीना से ज़्यादा या कम आपसे जितना हो सके आपके टाइम के अनुसार आप कम से कम 5 to 6 novel पतले पतले पढ़ें और हाँ इंटरेस्टिंग पढ़ें। कभी भी इंटरेस्टिंग पढ़ें। आपको अगर आपको लव स्टोरी वाला नॉवल पसंद है तो आप वही लें। ये नहीं कि आपको लव स्टोरी वाला पसंद है आप हॉरर का ले रहे हैं या फिर आप पे कोई और का ले रहे हैं। आपको अगर हॉरर का पसंद है तो आप हॉरर का पढ़िए। अगर आपको जैसे होता है ना एडवेंचर वाला वो आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा आपकी आप अपने इंटरेस्टिंग के अनुसार आप नॉवल पढ़िए। ओके तो आप श्योरली यू विल गेट द रिजल्ट एंड फॉर टुडे दिस इज एनफ दिस इज दैट्स इट। एंड अगर आप और भी ट्रिक्स चाहते हैं अपने इंग्लिश के लिए बोलने के लिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट में आपके डिमांड के हिसाब से आपकी वीडियो लेके आऊँगी और आपके विश को फुलफिल करूँगी। फॉर दैट एंड आई एम गोइंग नाउ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड
turn on the notification. Okay, and for today it's that's enough. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Namaste. Sat Sri Akal.